पार्ट वन देखा है तो गाइस आपको बताया हुआ मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे गाइस। मैं उनसे बचते बचते गाइस मैं यहाँ पे आ गया और गाइस उसका क्रैश की मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी उसमें, इसलिए गाइस आधे 60 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई। और गाइस वो भाई साहब गाइस मेरा बहुत लगी है मैं गाइस अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर मेरी ड्रोन बाइक वहाँ पर है इसलिए हमें ड्रोन बाइक लेने जाना पड़ेगा। तो गाइस ड्रोन बाइक लेने जा रहे हैं तो थोड़े स्टन कर देते हैं, पर मैं गाइस भूल गया कि वहाँ पर कुत्ते भी थे, पर गाइस कुत्ते बाद में गायब हो गए तो मुझे लगा कि कुत्ते मुझसे डर गए। तो मैं यहीं पर उतरा अपने ड्रोन बाइक के लिए यश भाई को फ़ोन किया। हाँ हेलो गाइस, तो गाइस यश भाई से फ़ोन करने के बाद आप उसके मिलता हूँ। तो गाइस यश भाई से बात तो हो चुकी है, उन्होंने किया है वो बोले कि आपके घर पे आपकी ड्रोन बाइक आने वाली है, आपके हयाबूसा मैं लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइस उस मैंने हाँ कर दिया क्योंकि हयाबूसा मेरी है। और गाइस बाद में गलती से मैंने एक गलती भी मार दी जोर सी और गाइस बाद में वापस क्रैश। और गाइस बहुत लगी मुझे, तो गाइस मैं सीधा यहाँ पे लॉकेट रोथर मारने वाला था, पर गाइस मुझे बाद में पता चला कि मेरा भाई बहुत बीमार है। तो गाइस मैंने उसके घर वालों को फ़ोन किया, तो गाइस फ़ोन पे बात करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस उसके बाद मैं देख रहा था तो गाइस कुछ तो कोई तो चीज़ मुझे पीछे खींच रही थी, तो गाइस मैं जंप मार के आगे निकलने की कोशिश कर रहा था पर गाइस आगे नहीं जा पा रहा था, गाइस वो मुझे घुमा रही थी बार बार। तो गाइस मैंने उसका फ़ायदा कर लेना चाहता था तो मैं अपने निंजा पे ऐसे चला गया कुछ। फर्स्ट पर्सन में तो बहुत गजब लग रहा होता, गाइस मुझे ऐसे ही पता चला कि मैं अगर ऐसे ही जाता रहूँगा तो ये मुझे पीछे खींचते रहेंगे। तो गाइस मैं पीछे ही दौड़ना स्टार्ट कर लिया दौड़ना, पर गाइस पीछे ही वो मुझे पीछे खींचता जा रहा था इसलिए मैंने पीछे करके दौड़ना स्टार्ट किया। और गाइस पूरी मैं अपनी मतलब जा मतलब बहुत दूर थी और मुझे पता था कि मैं गलत जा रहा हूँ, लग रहा था मुझे मतलब कि मैं गलत जा रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा था पीछे पीछे। तो गाइस मुझे लगा कि अभी मैं आ चुका हूँ पास थोड़ा, तो गाइस मेरे सामने निंजा थी, निंजा H2R गाइस बहुत खतरनाक क्रैश हो गया। तो इतनी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, अगर मैं बाहर निकल पाया तो देखते हैं। अगर मैं निंजा के पास आ गया गलती तो गाइस लगता है कुछ तो ठीक हो सकता है मुझसे साथ। तो गाइस उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में एंड करता है होपफुली, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो